जस, और कितनी देर लगेगी? टेंशन मत लो किट्टू, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। वो लोग उन्हें जल्दी छोड़ तो देंगे ना? वो क्या है, मैंने घर पे भी किसी को नहीं बताया है, ऐसे ही आ गई। क्या तुमने आनंद से भी कुछ नहीं कहा? बहुत सोचा, लेकिन वो एक्चुअली घर पे कोई भी कुणाल भैया का नाम भी नहीं सुनना चाहता। मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है, इसलिए मैंने सोचा नहीं बताऊंगी। लेकिन किसी को भी पता चले उसके पहले मुझे दीदी को जल्द से जल्द घर पहुंचाना होगा। और अगर अभी तुम्हें घर पे सब ढूंढेंगे, फोन करेंगे, तो क्या करोगी तुम? अब मैं आनंद को मैसेज कर देती हूँ। हाँ कर दो, जल्दी, थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। किट्टू, चलो। अच्छा, आज किट्टू के हाथ की चाय जो पीने को मिली है। किट्टू कहाँ गई? क्या वक्त हुआ है? बस अब श्रद्धा जल्दी से पहुंच जाए। ध्रुव उठते ही पूछेगा मम्मा कहाँ है। बिल्कुल, फोन लगा ही लेती हूँ। ला यार न्यूज़पेपर। फोन कहाँ गया? गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। किट्टू भाभी नजर नहीं आ रही, और मेरी चाय? चाय टेबल पे पड़ी है। मम्मी किट्टू कहाँ? किट्टू तुम्हारे कमरे में ही तो होगी ना? नहीं, मेरे कमरे में भी नहीं है। आप बात कर रहे हो भाई? मतलब अभी वापस आ गई है कमरे में? हाँ, कल रात को तो थी, पर पता नहीं सुबह से कहाँ। कहीं आपने फिर से भाभी से लड़ाई तो नहीं की ना? अरे जया, हाँ मैंने भी भाभी को काफी समय से नहीं देखा। कहीं भाभी फिर से मायके तो नहीं चली गई? जया चुप करो। जया चाय पियो। अरे अरे अरे, इतनी अटकलें लगा रहे हो, इससे अच्छा तो फोन ही कर लो ना जी। अरे किट्टू का मैसेज। मैसेज? हाँ, मैं कुणाल भैया से मिलने जा रही हूँ, वो किसी प्रॉब्लम में है, सबको बता दीजिएगा। कुणाल जी की प्रॉब्लम किट्टू हाफी सॉल्व करेंगे। जस, आनंद का फोन है, क्या बोलूं? उठाओ, बात करो उससे, बात करो। हेलो। हाँ किट्टू, कहाँ हो तुम? अचानक से चली गई। अब आनंद, आप नाराज मत होइएगा प्लीज। वो एक्चुअली मुझे कुणाल भैया ने बुलाया है, उन्हें कोई अर्जेंट काम है इसलिए। लेकिन मैं तुम्हें आके सब कुछ बताती हूँ, अभी फोन पे नहीं बता पाऊंगी मैं। पर किट्टू, ऐसी कौन सी एजेंसी आ गई है, और तुम हो कहाँ अभी? आनंद, मैंने कहा ना मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ आराम से, ठीक है? बाय। अच्छा, पता नहीं कुणाल को ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि सुबह सुबह उसे बुला लिया, और ये भी सुबह सुबह चली गई। किट्टू भाभी भी ना आजकल कोई भी काम बता के नहीं करती है, और ये कुणाल जी, उन्होंने भी फिर से बुला लिया। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती कुणाल से मिलने? नहीं सही है जोर, पर हमें बताकर जाना चाहिए था ना, टेंशन नहीं होती सबको। अरे मैडम, उसने सोचा होगा सुबह सुबह क्या डिस्टर्ब करना, आप परेशान क्यों हो रही हैं? जब आएगी सब कुछ बता देगी। मम्मी, मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि किट्टू बिना बताए चली गई, पर मुझे इस बात की चिढ़ कि वो अपना ख्याल नहीं रखती। अब सुबह सुबह उठ के चली गई है, उसे समझना चाहिए कि इन दिनों से आराम करना चाहिए। तो ठीक है फिर, तू ख्याल रख उसका। अरे कैसे रखूं, मैं उसे बोल बोल के थक गया हूं कि टाइम पे सोया कर, टाइम पे खाया कर, आराम कर, स्ट्रेस मत ले। लेकिन पहले तो इतने दिनों मैंने उसे परेशान रखा, और कल की इतनी थकी हुई थी, आज सुबह उठ के चली गई, नाश्ता तक नहीं किया। मम्मी प्लीज, आप ही उसे समझाइए ना। अरे बहुत सोच लिया सबका, कम से कम अब तो अपना और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचे।
वाला बच्चा मतलब? भाई मतलब खबर पक्की है कि किट्टू भाभी अब माँ बनने वाली है। हाँ मैं तो कई बार पूछते पूछते रह गया, दीदी ने मुझे मना कर रखा था। ओए, तुझे पता था? हाँ। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? मतलब किट्टू माँ बनने वाली है और मुझे भी किसी ने कुछ नहीं बताया? अरे भाई इतनी बड़ी खबर हमसे छुपाई गई, आप लोगों को नहीं पता क्या? अरे नहीं, हमें कोई बताएगा तब पता चलेगा ना हमें। इतनी बड़ी खबर हमें किसी ने नहीं बताया। अगर श्रद्धा ने आप लोगों को नहीं बताया तो कम से कम किट्टू को तो बताना चाहिए था। आने दो उसे, दिखाती हूँ मैं। सबको पता था, देवर को, ननंद को, लेकिन सास को नहीं बताया। अरे मैडम सारी जिंदगी सास के तेवर नहीं दिखाए, आप क्या दिखाएंगी? अरे खुश होइए, दादी बनने वाली है। मैं छोटा चाचू और भाई आप मोटा चाचू। मोटा तू। जो भाभी तो माँ बनने वाली है, अगर उन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया ना मैं तो गई काम से। मम्मी आज से मैं आपकी रोज हेल्प करूंगा, किट्टू भाभी को कहिएगा वो आराम करें। बिल्कुल। और जया? जया की तरफ से मैं कर दूंगा ना काम। भाभी अभी तक नहीं आई। आ जाएगी जया, आ जाएगी। मायके गई है, उसे भी अच्छा लगेगा। क्या बात है भैया, वैसे तो कुणाल जी का नाम सुनते ही आप भड़क जाते थे और अब सब माफ। माफ मतलब? जया किट्टू का रिश्ता है कुणाल से, अपने फैमिली से, जिस तरह तुम्हारा है अपने मायके से। जाओ ध्रुव के लिए दूध निकाल के रखा है, ले आओ। जी। अरे बच्चो एक प्लान है। आपका भी मम्मा की तरह प्लान है ना? क्या मतलब मम्मा की तरह? सीक्रेट। क्या सीक्रेट है? अरे ये क्यों बताएगा, ये तो मम्मी के और उसके बीच का सीक्रेट है ना? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अब तुझे एक सीक्रेट बताऊंगा, तू भी किसी को नहीं बताना। मैं एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। सरप्राइज? सरप्राइज? देख बेटा, किट्टू और श्रद्धा ने हमसे सीक्रेट रखा, अब हम उनके साथ सीक्रेट रखेंगे। हम ये शो ही नहीं करेंगे कि हमें पता है कि किट्टू माँ बनने वाली, और फिर एकदम सेलिब्रेशन पार्टी। नॉट अ बैड आइडिया। हाँ किट्टू को तो विश्वास ही नहीं होगा, और जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगी। बिल्कुल। लेकिन पार्टी है क्यों, किसका बर्थडे? बर्थडे नहीं है, लेकिन हमारे घर में ना एक छोटा सा बच्चा आने वाला है और तू बड़ा भाई बनने वाला है। वाओ, इसका मतलब है मेरे छोटे वाले कपड़े जो मम्मा ने संभाल के रखे थे वो बेबी पहनेंगे। हाँ।